लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर के प्रदेश भाजपा पूरी तरह से मैदान में आ चुकी है। अब पार्टी गुरुवार और शुक्रवार को दो दिवसीय जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश भर के 50 लाख परिवारों से संपर्क स्थापित करके केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्हें बताएंगे। साथ में घरों के बाहर भाजपा के स्टिकर लगा करके एक बार फिर भाजपा को वोट देकर के मोदी को पीएम बनाने की अपील करेंगे। इसके बाद 30 मार्च को प्रदेश भर में मैं चौकीदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता हस्ताक्षर अभियान, पदयात्रा और वाहन रैली भी निकालेगी और 31 मार्च को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। प्रदेश में 28 और 29 तारीख को बूथ मां संपर्क अभियान है। 51,000 बूथ हमारे हैं, 51,642 बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक सब वरिष्ठ लोग घर घर पार्टी के अभियान के नाते से जाएंगे। एक पत्र को रिश्तेकर आम जनता के बीच में लेके जाएंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के काम और जनता के बीच में जिस प्रकार का विश्वास उनका बढ़ा है, इन दोनों बातों को लेकर के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लगभग 50 लाख घरों तक इस अभियान के नाते से मिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील आम जनता से करेंगे। इस अभियान को गति देने के लिए हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता इस अभियान में देखें, विधानसभा में बूथ उनके तय हो गए हैं, उन बूथों से वो शुरुआत करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन लाल सैनी साहब सामान्य। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।